जंगली जंगल ये मेरे दोस्त है जंगली जंगल कहते हैं मैं तो पता ही नहीं था क्या बोले तो गाइस मैं बैठी हूँ यहाँ पर कुछ झरने के पास मैं बैजनाथ मंदिर के फोटो खींचो यहाँ बहुत लेकिन अब पिना राधे राधे दोस्तों आप सभी का स्वागत है माँ ही व्लॉग्स पे। सो दोस्तों आप सभी को तो पता है इससे पहले वाले व्लॉग में हम लोग गए थे रुद्रदारी मंदिर और जो हमारा आज का जो व्लॉग है वो पहले वाले व्लॉग का ही सेकंड पार्ट है। आप सभी को तो पता ही है कि हम लोगों ने रास्ते पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी जब हम रुद्रदारी मंदिर की ओर चल रहे थे और अब आगे के व्लॉग में हम देखेंगे रुद्रदारी मंदिर को और करीब से। So, दोस्तों फाइनली हम रुद्रधारी मंदिर पे पहुंच गए हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है मंदिर। मंदिर के पास ही छोटा सा एक झरना है और रास्ते भर में बिना इतना सुंदर सुंदर छोटे छोटे झरने दिख रहे थे और चढ़ाई चढ़ी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये महारानियां आ रही हैं, बाकी लोग नीचे पहुंच चुके हैं तो फटाफट नीचे चलते हैं, आपको अच्छे से दिखाती हूँ मैं पास से। आप लोग भी सुन सकते हैं झरने कितनी सुंदर आवाज आ रही है पानी की। और ये है हमारा मंदिर, बाकी सारे दोस्त लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत प्यारा बहुत सुंदर मंदिर है देखो। ऐसे कीजिएगा इधर को तो फिर तू कैसे आएगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही होगी ना, माइक पहना है ना, आनी तो चाहिए। तो गाइस मैं बैठी हूँ यहाँ पर कुछ झरने के पास और ये लोग फोटो खींचा रहे हैं। इधर देखो इनको, इधर देखो, इधर इनको भिगाते हैं यार, अभी देखना इनपे झटके लगेंगे। सॉरी नहीं आए बिगा दिया यार पूरे। कैसा हूँ मैं हाई राम भग गई नहीं आएगा आई रहा। तो दोस्तों यहाँ के हमने दर्शन कर लिए हैं, अभी शायद से हम दूसरी जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शायद तो हम गांधी आश्रम, नहीं पता। गांधी आश्रम प्लस बैजनाथ, गांधी आश्रम प्लस बैजनाथ बोल रहे हैं।
तो गाइस वो दिख रहा है मंदिर और हम निकल चुके हैं जंगली जंगल। ये मेरे दोस्त हैं जंगली जंगल के थे, मैं तो पता ही नहीं था क्या बोले। ये हमारे शर्मा जी हैं, काफी अच्छे, और ये हमारे भंडारी जी पीछे, हमारे दोस्तों, हमारे क्लास के सभी विद्यार्थी। चले आ रहे हैं हम, ये हमारी ब्लॉगर। आने से पहले यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया था, लेकिन जब हम घर पे वापसी हो रही है बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ? तो हमारा जो ट्रिप था वो पिनात का था, यहाँ बहुत मजा आए, बहुत मजा। लेकिन अब पिनात जा नहीं सकते, 2 घंटे का रास्ता है, तो अभी कहाँ हमें देर हो जाएगी। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर, मतलब समथिंग 5-6 किलोमीटर दूर गांधी आश्रम, वहां जाएंगे हम। इसके दोस्त लोग मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं इसके सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, दोस्त जो भी बोल सकते हैं। लेकिन यार काफी मजा आ रहा है, लोकेशन देख सकते हो आप भाई साहब, बहुत तगड़ी लोकेशन है, काफी मजा आ रहा है। शांति व्यवस्था बहुत तगड़ी है, एकदम जंगल देख सकते हो आप, बहुत तगड़ा देख सकते हो। तो हमारे कुछ सहपाठी पीछे रह गए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं हम, इनको वेट कर रहे हैं थोड़ा आधे रास्ते पे। सो दोस्तों हम लोग खा रहे हैं आलू के पराठे, शीतल बनाकर लाई थी सबके लिए। शीतल आलू कहाँ गिर रहा है, ये सब लोग खा रहे हैं आपको बैठ कर। खा लिया तूने इतनी जल्दी? उसी की तरह रोटी भाई भी आ रहा है, जबरानी की भी रोटी आनी थी। अरे जानती मेरे आ रहा हूँ मैं। आ क्या? अरे नहीं, अबे चलाते हैं। अरे वो कॉलेज लग गया। रितेश वाह, डांस भी नहीं आ रहा। एक गोल बनाओ ना लड़को, मैं तेरे से कह रही, तू मेरे से कह रही है, पानी पकाओ तो। हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। थोड़ा बहुत नाचने गाने के बाद हम लोग फाइनली अपनी गड्डी के पास पहुंच चुके हैं। जो सारे से बोल रहे हैं कि दूसरे मंदिर जाएंगे, बैजनाथ बोल रहे, ओए बैजनाथ बोल रहे थे ना जी, बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ जाने वाले थे ना, वहीं जा रहे हैं। बैजनाथ गई आप? नहीं गई ना। सो वहाँ को जाएंगे तो अभी देखते हैं। हमने खाया भी नहीं कुछ अभी, वो तो जरा शीतल लाई थी आलू के पराठे, तो हमने वो खाए हैं। हाय राम, मजा आया, पर जगह बहुत ज्यादा प्यारी थी यार। प्यास लगी? जहर पियोगे? ओए होए। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं बैजनाथ मंदिर, और इधर प्यारी सी गोमती नदी है, और अभी हम बैजनाथ मंदिर को जा रहे हैं। अभी रास्ते में बहुत गंदा कांड हो गया था यार, गाड़ी रोक दी थी क्योंकि इसमें ओवरलोडिंग हो रही थी ना, सो मैं नहीं थी, भगवान की किस्मत है कान्हा जी ने थोड़ा बचा लिया गाड़ी पे मैंने की, उन्होंने को चलान नहीं काटा, उन्होंने बच्चे करके छोड़ दिया था, बट फिर भी ना डांट तो पड़ती। सो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और अभी हम आ रहे हैं, जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर को। अभी हमने हाथ पैर धोए हैं, अब अंदर चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं। कैसी लग रही हूँ यार, भूत जैसी लग रही हूँ।
सो ये है गोमती नदी और हमारा मंदिर जो है मेन मंदिर है ये, और ये सारे बाकी छोटे छोटे मंदिर बाकी अलग हैं। यहाँ ये बच्चों का कारोबार चल रहा है, देखो तो जरा बजरी निकाल रहे हैं। ओ भयंकर, इतनी निकाल दी है, वहाँ अलग जमा कर रहे हैं नो। और पूजा भी, पूजा ओ पूजा बच्चों से काम सीख ले थोड़ा, बच्चों सिखाओ दो रे इसको भी। यहाँ पर को है बहुत सारी मछलियाँ लेकिन आपको नहीं दिखेंगी यार, हमने चावल डाले, थल मिला रही है, नहीं दिख रही है यार वीडियो में। ये लोग यहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहे हैं, लग अच्छा रहा यार, पूरे एयरपोर्ट दे रखे इसमें। और यहाँ पर को ना सब लोग बजरी उठाने वाला काम कर रहे हैं, देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको, थोड़े लोग यहाँ पर हैं, थोड़े लोग यहाँ पर हैं, आपको बच्चे भी कर ही रहे थे। अब मैं भी इनसे हमको थोड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाती हूँ। सो गाइस, हम लोग यहीं पर को बैठे हुए हैं, आम खा रहे हैं, वो भी कच्चा कच्चा वाला। शोभा लोग पता नहीं कहाँ को गए हैं। इसके बाद हम खाना खाने रुकेंगे क्योंकि हमने आगे से खाना नहीं खाया है यार। दोस्तों और टाइम ना यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती थी, हमारा रितेश तो स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया था कि यहाँ बोटिंग वगैरह होती है, बट इस टाइम पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर में दर्शन किए, थोड़ी थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करी और अभी हम लोग घर को निकल रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको नदी का शोर सुनाई दे रहा होगा, कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है ना। सो अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ टाटा बाय बाय करते हैं, अब खाना खाने जाते हैं, भूख लग गई यार। A few moments later. हम लोग इतनी जगह रुक गए हैं ना खाने के लिए, लेकिन हमको कहीं पर को भी खाना नहीं मिल रहा है, हर जगह शॉप बंद है। संडे हो गया ना तो इस वजह से हमें कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है आज। हम बच्चे बन चुके हैं, दो ही थे वहाँ पे, बाकी लोग भाग गए, बाकी लोग भाग गए। और इसके बाद मैं आ गई थी बाइक में राकेश के साथ, गौरव और ललित स्कूटी पे थे और राकेश को यहाँ से बाइक ले जानी थी अपने चाची की, सो इस वजह से हम लोगों को एक बाइक मिल गई। पता है गाड़ी पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती, लेकिन अब थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा, आए हाय जो मज़ा आ रहा है ना, आप सभी को क्या बताऊँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सोमेश्वर, हम लोग सोमेश्वर पहुँच गए हैं, हमें यहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब खाएंगे यहाँ खाना। 6 बज गए हैं, वही भी निकल बैठ गया है, खाना वाना तो कुछ नहीं खाया लेकिन शीतल का घर आ गया है, इसको अलविदा कहते हैं। अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, यहाँ से जा रही तो ककराड़ में रहती है फिर। हाँ तो क्या, तो मनान मनान क्यों रहती है, तो मनानी तो बोलना पड़ता है, गाड़ी वाले ककराड़ कह के ठंडा लाते हैं। शीतल घर को जा चुकी है, अगर हम लोगों को कुछ खाने वाला मिलेगा तो खाते हैं, नहीं तो हम भी भूखे ही जाएंगे। आप भूखे जाना चाहते हैं घर को? हाँ। मैं नहीं चाहती, गौरव चले गया है, लेट हो रहा था उसको, और शीतल तो हमें आधे रास्ते में छोड़ के चली गई थी, मतलब उसका घर जल्दी आ गया था ना। तो हम लोग अब खाना खाते हैं, इसके बाद मम्मी घर को बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, 7 बज गया है, घर पहुँचते पहुँचते ना पक्का हमको 8 बजने वाला है। तो अभी हम लोगों ने थाली मंगा ली है, खाना खाते हैं। ये भूति गए हैं सबके सब, हेम ने मैंने दोबारा रीटेक लिया, उसमें भी इसने पहली जैसी हरकत कर दी है, खाना छोड़कर पीछे बैठ गया। और ये लोग खा रहे हैं, खाइए शर्मा जी, खाइए, शर्माना मत, खाएंगे फिर, खाओ फिर। ये मेरी थाली है, बहुत भूख लग रही है दोस्तों, पहले हम खाना फिनिश करते फिर मिलते हैं। गाइस ये माही है जो कि अभी दही का बर्तन चाट रही है, ये शोभा है, ये माही है, ये शोभा है, ये खाली कटोरा चाट रही है, और ये माही है, मेरा भरा है, मेरा कटोरा भरा है, इसको दिया अभी गलती से। और गाइस ये मेरे बर्तन है, ये मेरे बर्तन है, इसमें मैंने चावल खाया, इसमें मैंने दाल खाई, इसमें मैंने सब्जी खाई, इसमें मैंने पता नहीं क्या क्या खाया। और ये देखो ये माई, इसका खत्म हो गया। ये है ललिता जिसको कुछ नहीं मिला अभी तक, ये ललिता। और ये है पूजा, ये है ये पूजा, ये अभी रो रही थी गाइस। और ये है मन्नू कोहली, ये है हमारे अंकल जी चाचा, ये चाचा अंकल है। और ये है शर्मा जी,
शर्मा जी हेलो बोलो, और ये है आर्यन। सुबह से हेलो बोलने में गाइस। गाइस क्या गाइस, मेरे फोन में हरिया नहीं हूँ तो नहीं हो जाऊंगी। अच्छा बज रहा है फोन। हाँ मम्मा, इसकी मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी बोलो। दोस्तों हम लोगों का खाना हो गया है, अराउंड 7:30 हो रहा है अभी। तो उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग निकले और साथ ही अल्मोड़े का हमने प्यारा सा व्यू देखा, नाइट व्यू। और इसके बाद हमारे शर्मा जी और हमारी हिमोली भी घर को चली गई थी। इस टाइम क्या हुआ ना, पता नहीं फोन में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अभी फिर मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा याद आने वाली है सबके सब। हाँ यहाँ पे से पूजा और मनु भी चले गए थे। इसके बाद मतलब हम सभी लोग चले गए थे। फिर इसके बाद मैं घर को अकेले जा रही थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बट भगवान का नाम लेते लेते चल रहे थे हम रास्ते से। और फिर मैं पहुँची घर। घर पहुँचने के बाद मामा को थोड़ी बहुत फोटोज़ वगैरह दिखाई और फिर हमने करा व्लॉग को एंड। सो दोस्तों आज के व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया है। व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। राधे राधे दोस्तों।